आपला है ना, आपला कहाँ है, आपला है कहाँ, क्योंकि आप ही आ गए, अब हमारे चढ़ना है, हम आप पे चढ़ेंगे। आप आइस दे दो पहले, मैडम से बात करते कैसा नहीं बात। मेरा काम है मेरे को जो मेरे बड़े बोलते हैं वो फॉलो करना, आपका काम आपके बड़ों को फॉलो करना। आप भिड़ेंगे, बड़े बड़े भिड़ते, जो जीता उन्हें चाहो या रोड डालो, उसके बाद सब काम गुत्तेदार आना, काम शुरू होना है। आप ये डिवीजन किस लिए, क्या रैंडम टीम, क्या लपा की खीर है, वहाँ के जने यहाँ आ रहे, यहाँ के जने वहाँ आ रहे, आपकी जागीर है यहाँ पे, हम कारपेट छत पर आने भले रोड आउट कब दलाते हैं ना, खुदा के वास्ते मजबूर नको करो, तुम्हारे नाम पे आरटीआई डालने रोड है बोलेंगे तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर चार आरटीआई डाला तो बेभरे हो जाते। माजी दूसरे नाम है, भिड़ो नको मेरे से, जो सुन रो खामोश सुन लो, तुम कितने पानी में मेरे को भी मालूम, एसीपी डिपार्टमेंट के पाक साफ नहीं रहते, बावजूद नहीं रहते तुम्हारा मेरे को मालूम भाई। तो हमदर्दी, अखलाक और इंसाफ की बात आपला मत करो, मैं बोल रहा हूँ सुन लो, इज्जत से चले जाओ। ज्यादा हमदर्दी, इंसानियत ये बात करेंगे वो आप लोगों को नहीं जचता। आज जीएचएमटी की एक बड़ी टीम तमाम लेबर मशीनरीज के साथ लेते हुए मेहंदीपट्टनम हल्का और आसिफ नगर हल्के के करीबन 25 अनऑथराइज बिल्डिंग्स की लिस्ट लेके यहाँ पे डिमोलिशन करने आए थे, जिनको एमएलए साहब की हिदायत पे मैं और मूसा साहब जो आसिफ नगर के कॉर्पोरेटर साहब, हमने यहाँ पे आके उनको ये बिल्डिंग्स डिमोलिशन करने से रोका। इसकी मेन वजह ये है कि पिछले 3 महीने से हम कई किस्म के रिप्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, खासकर अगर आप देखें तो मेरे पीछे कनका दुर्गा टेम्पल है, यहाँ पे जब भी बरसात होती है तो यहाँ पे पानी बड़े सतह पे जमा हो जाता है, और जो लोग अंदर मंदिर में जाते हैं और बाजू की रोड में जो रेजिडेंशियल लोग रहते हैं उनको आने जाने बड़ी परेशानी होती है। इनके बारे में हम रिप्रेजेंटेशन पिछले 3 महीने से कर रहे हैं, तो हमें फंड्स की कमी बताई जा रही है, फिर पिछले 1 महीने से हमें ये बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर स्ट्राइक पे है और हम कोई काम शुरू नहीं कर सकते। तो जब पब्लिक के भलाई के जो काम है वो ये लोग शुरू नहीं कर सक रहे हैं, तो बिल्डिंग्स तोड़ने के लिए इतना बड़ा महकमा इनके पास कहाँ से आया, इसके फंड्स कहाँ से आए, और पूरे नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन्होंने 150 अनऑथराइज बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई किए हैं डिमोलिशन के लिए, जिनके एहतजाज में जाफर हुसैन मेरा साहब के बोलने पे हम लोग यहाँ पे आए और एहतजाज करते हुए तमाम बल्दिया के महकमे के अहदेदारों को और यहाँ के जो तोड़ने की जो मशीनरी लेके आए थे उनको यहाँ से हमने रवाना किया। हमारा सीधी तौर पे मुतालबा ये है कि हमारे जो तरक्याती काम हैं वो पहले ग्राउंड किए जाएँ, जब हमारे लिए फंड्स नहीं हैं तो बिल्डिंग्स तोड़ने बल्दियागंज कहाँ से फंड्स आए। इनकी सहूलत का काम ये, जब चाहे इनको फंड्स मिल जाते हैं, जहाँ से चाहे इनको लेबर्स मिल जाते हैं, पर पब्लिक के तरक्याती काम, रोड्स, सिविल, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन और दूसरे कामों के लिए इनका ना फंड्स होते हैं ना लेबर होते हैं। हम सख्ती से इसकी मुखालिफत करेंगे और पूरे तरक्याती काम यहाँ पर अंजाम देने लगेंगे।